एक संत थे जो खुद कभी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन वो अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे। दूर दराज से लोग उनसे ज्ञान और उपदेश लेने आया करते थे। एक बार वो अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक आदमी जिसने अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए हैं, उसके पीछे कुत्ता पड़ गया है और वो जोर जोर से उस पर भौंक रहा है। आदमी को गुस्सा आ गया और वो कुत्ते को डंडे से मारने लगा। कुत्ता दर्द के मारे रोता हुआ वहां से चला गया। बाद में जब उस आदमी को पछतावा हुआ तो उसने कुत्ते को कुछ खाने को दिया। खाना देखकर कुत्ता वापस उसके पास आया और खुशी खुशी खाने लगा। ये देख संत ने शिष्यों से कहा, इस कुत्ते से आज मुझे कुछ सीखने को मिला। शिष्यों को यह सुनकर ताज्जुब हुआ। एक ने संत से पूछा, आपने इस कुत्ते से क्या सीखा? फिर संत ने कहा, समझदार इंसान को इस कुत्ते की ही तरह सभी को माफ कर देने वाला और मन में कोई बात ना रखने वाला होना चाहिए। तुमने देखा, जैसे ही आदमी ने कुत्ते को खाना दिया, कुत्ते ने उसे माफ कर दिया और खाना खा लिया। इस तरह आदमी के मन का भी बोझ हल्का हो गया और कुत्ते को भी खाना मिल गया। फिर वहां से वो लोग जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि कई सारे चील एक कौवे को, जो अपनी चोंच में मांस का एक टुकड़ा दबाए उड़ रहा था, पीछा कर रहे थे। अचानक उसके मुंह से मांस गिर गया। मांस गिरते ही सारे चील कौवे को छोड़ मांस के पीछे टूट पड़े। संत ने कहा, आज मुझे एक बहुमूल्य सीख मिली। शिष्यों ने पूछा, वो क्या गुरुजी? अगर दुनिया में शांति से रहना है तो आवश्यकता से ज्यादा कुछ भी सामान नहीं रखना चाहिए। उस मांस की वजह से कौवा मारा भी जा सकता था। वो इसीलिए जिंदा बच गया क्योंकि उसने मांस का टुकड़ा गिरा दिया। हम किसी भी किताब से बेहतर जीवन से सीख सकते हैं। जहां आम तौर पर लोग किताबों से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहीं ज्ञानी लोग अपने जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं से भी बहुत कुछ सीख हासिल कर लेते हैं। कुछ सीखने की ख्वाहिश रखने वाला इंसान तो हर किसी से, यहां तक कि जानवरों से भी कुछ ना कुछ सीख जाता है। और अगर कोई कुछ सीखने की इच्छा ही ना रखता हो तो बड़े से बड़ा विद्वान भी उसे कुछ नहीं सिखा सकता। सच्चा ज्ञान अनुभव, अवलोकन और तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। एक अच्छा शिक्षक अपने छात्रों को यह नहीं बताता कि क्या सीखा जाए, बल्कि वो उनमें कुछ सीखने की इच्छा पैदा करता है और उन्हें यह बताता है कि सीखा कैसे जाए। और एक बार किसी को सीखने का सही तरीका पता चल जाए, फिर तो वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है।